बौद्ध धर्मावलंबियों का वर्षावास हुआ प्रारंभ। सरकारी कुआं क्षेत्र में प्रकृति की अनुपम छटा के बीच पहाड़ियों पर स्थित है यह नागार्जुन बौद्ध विहार। बौद्ध धर्मावलंबियों के अनुसार गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत रखता है यह वर्षावास। इस वर्षावास काल के दौरान लगभग 3 माह तक धर्मगुरु विहार में ही रहते हैं एवं वहीं पर रहकर शिष्यों को धर्म दीक्षा एवं ज्ञान देते हैं। यह वर्षावास शिष्यों के लिए भी गुरु की सेवा का अवसर होता है। आज ये करिया पाथर बौद्ध विहार जो है नागार्जुन बौद्ध विहार, तो इसमें आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज वर्षावास के निमित्त कार्यक्रम हो गया है। तो इसमें क्या क्या किया है? त्रिशरण पंचशील की दीक्षा दिया मैं उपासक उपासी को। आप कहाँ से आए? नागपुर से आया मैं। आपका नाम? बुद्ध धातु। आज ये क्यों मनाया जाता है, ये पर्व जो हुआ? हाँ, ये बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद सबसे पहले सारनाथ ने 5 भिक्षु को भिक्षु दिया, धम्मक शील और धम्मक की दीक्षा दिया 5 लोगों को। तब से चालू हुआ, बुद्ध से गुरु पूर्णिमा चालू हुए, गुरु के संस्कार चालू हुए। नागार्जुन घमापुर बौद्ध विहार में वर्षावास पूर्णिमा मनाई गई है। ये गुरु शिष्य की पूर्णिमा है। आज हमारे बीच नागपुर से हमारे धर्म गुरु पधारे हुए हैं, जो यहाँ पर 3 महीने तक वर्षावास चलेगा। वो यहाँ पर विहार में रहकर सभी उपासक उपासिकाओं को धर्म उपदेश देंगे। और ये वर्षावास मतलब वर्षा काल में ऐसा मनाया जाता है कि बारिश के मौसम में जो गुरु रहते हैं वो अपनी भिक्षाटन बोलो या उपदेश के लिए जगह जगह जा नहीं पाते हैं, वो एक ही स्थान पर रहकर अपना उपदेश दिया करते हैं, तो इसलिए मतलब ये वर्षावास मनाया जाता है। आज घमापुर नागार्जुन बुद्ध विहार में ये वर्षावास का ये महापर्व मनाया गया है। यहाँ पे सभी बुद्ध उपासक उपासिकाएँ यहाँ आके धम्म दीक्षा लेती है और शील के बारे में हमारे जो बुद्ध धम्म गुरु है उनसे सीखती है। और ये 3 महीने तक का रहता है, जैसे आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर अश्विनी पूर्णिमा तक। ये हमारा जो निरंतर हर दिन ये धम्म दीक्षा धम्म के बारे में जानकारी हमारे जो धम्म गुरु हैं वो देते हैं हमें। और ये यहाँ पे इस तरीके से धारणा है कि जिस समय से बुद्ध काल से जैसे गुरु शिष्य की परंपरा चलती आ रही है, उस समय से अभी तक ये चलता आ रहा है कि जैसे हमारे जो बुद्ध धम्म गुरु है वो वर्षावास के समय में 3 महीने तक विहारों में ही रहेंगे, क्योंकि जो वर्षावास के समय नदी नाले वगैरह सारे चीज़ भरते हैं और इसमें कीड़े मकोड़े वगैरह इन सारी चीज़ों की मतलब उत्पत्ति अधिक होती है। तो धम्म गुरुओं से कहीं गलती ना हो जाए या फिर मतलब उनको किसी प्रकार की हानि ना हो जाए, इसीलिए धम्म गुरु बुद्ध विहारों में ही रहते हैं। मेरा नाम हर्षिका गोलैत है और मैं नागार्जुन बुद्ध विहार की सचिव हूँ।